आरएसएस हेडक्वार्टर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से ठीक पहले उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उन्हें आगाह किया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने पिता को टैग करते हुए लिखा, उम्मीद करती हूं कि आज के विवाद से आपको एहसास हुआ होगा कि बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। उन्होंने अपने पिता को नसीहत देते हुए आगे लिखा कि आरएसएस मुख्यालय में आपका दिया गया भाषण भुला दिया जाएगा, सिर्फ उस कार्यक्रम की तस्वीरें रह जाएंगी जिन्हें फर्जी बयानों के साथ फैलाया जाता रहेगा। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, नागपुर जाकर आप बीजेपी आरएसएस को फर्जी कहानियां और अफवाहें फैलाने का पूरा मौका दे रहे हैं, जैसा कि आज हुआ वो इसे सच की तरह फैला रहे हैं और अभी तो ये महज शुरुआत है। दरअसल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता को नसीहत उनके बारे में फैली एक अफवाह के बाद दी। सोशल मीडिया पर अचानक ये अफवाह फैल गई कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं और उनकी बेटी शर्मिष्ठा पश्चिम बंगाल की मालदा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस अफवाह के बाद शर्मिष्ठा को ट्विटर पर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने लिखा, पहाड़ों में ढलते सूरज का लुत्फ लेने के बीच बीजेपी में मेरी शामिल होने की अटकलें टॉर्पीडो की तरह है। इस दुनिया में कहीं भी सुकून और शांति नहीं मिल सकती है क्या? मैं राजनीति में इसलिए आई क्योंकि मैं कांग्रेस में यकीन रखती हूँ। मैं राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन कांग्रेस नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।